जय हिंद साथियों, नमस्कार। एग्जाम्पल टीचिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है 3-in-1 बैच। तो हमारे जो भी साथी यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी या DSSSB टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, PDF और साथ ही साथ जूम के डाउट सेशन, ऐसे और कई सारी सुविधाओं के साथ 3-in-1 बैच लॉन्च कर रहे हैं। और इस बैच के अंदर आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना होगा ETS50, कैपिटल्स में ETS50। और इस बैच से जुड़ने के लिए आपको एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो आज ही डाउनलोड कीजिए एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन। जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुपम सिंह एग्जामपुर टीचिंग स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो भी प्यारे साथी हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, बिकॉज बज चुके हैं 12 एंड आप मेरे साथ जुड़ेंगे करंट अफेयर्स के लिए। जो साथी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। जल्दी से जो भी आपके फ्रेंड हैं, देखिए BEd, SuperTET, KVS, DSSSB जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें दम लगा के सेशन को शेयर कर दीजिएगा। एंड सबसे महत्वपूर्ण जो अभी आपके एग्जाम है भाई, SuperTET और BEd, तो अपने सभी साथियों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए जो भी आपके फ्रेंड हैं। चलिए जी, सभी को राम राम, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है एंड बेटर बनाने के लिए डेली अपनी क्लासेस में सभी जुड़े रहेंगे। चलिए भाई, जल्दी से एक बार बता दीजिए क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा। हां जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। जी अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूं भैया, आपको देख के अच्छे ही हो जाते हैं सब, आप सब हैं इतने प्यारे से। चलिए जी, गुड आफ्टरनून सभी को। तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज 2021 के हमने पूरी करंट अफेयर कर ली है, आज हम डिस्कस करते हैं भैया, आज से हमारी शुरू हो गई है 2021 की, और आज से आप एक भी क्लास को स्किप नहीं करेंगे। ये करंट अफेयर की क्लास अगर आपने ले ली तो भैया आपके 30 मार्क्स यहीं से स्कोर होंगे। तो डेली आपको क्लास में जुड़े रहना है, तभी करंट अफेयर आपकी समझ में आएगी। एक दिन क्लास लेंगे एक दिन नहीं लेंगे तो करंट अफेयर भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, बहुत ज्यादा उलझ जाओगे। तो डेली क्लासेस में आपको जुड़ना है, 2022 की हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया। चलिए भाई, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए यूपी BEd हो बैच लॉन्च हो चुका है, तो आप जुड़ जाइएगा उन क्लास में। 1000% सिलेक्शन, 1000 सिलेक्शन का हमारा बैच चल रहा है। ऑल टेट फाउंडेशन हमारा बैच चल रहा है, बस कमी है तो आपके सहयोग की। आप सभी को पूरा सहयोग देना है, हर क्लासेस में आपको जुड़े रहना है। चलिए तो शुरू करते हैं, आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अपना कॉपी पेन, जल्दी से अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइएगा और नोट करनी है हर एक चीज। कोई डाउट होता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती तो भैया मैम आपके सामने है, आप पूछ लेंगे विदाउट हेजिटेशन। चलिए सबसे फर्स्ट, सबसे पहले आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं कि क्या आपसे पूछना चाहता है और इंपॉर्टेंट भी है। 2021-22 कहां से लेके जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 2022 की तिमाही चार का मतलब है कि क्वार्टर 4 के लिए सुकन्या समृद्धि खातों की ब्याज दर क्या है। देखिए क्वेश्चन आपको मैं एक बार समझा देती हूं, यहां पर बात की जा रही है सुकन्या समृद्धि अकाउंट की, सुकन्या समृद्धि खाते की यहां पर बात की जा रही है, जिसके 4 क्वार्टर होते हैं भाई, क्वार्टरली ठीक है, क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, क्वार्टर जिसके क्या है तिमाही, जिसकी 4 तिमाही होती है, अप्रैल से लेके मार्च तक। कब से शुरू होती है?
फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल में शुरू होता है और लास्ट आपका जनवरी फरवरी मार्च में होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च 2022 का इसका जो चौथा क्वार्टर रहा है उसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर कितनी ब्याज दर रही है, कितनी ब्याज दर रही है भाई, बहुत ही शानदार 7.6%। कितने परसेंट? 7.6% आपको क्या मिलेगा भाई? आपको ब्याज मिलेगा 7.6%। आपको क्या है? 7.6% आपको ब्याज मिलेगा। क्वार्टर थ्री में भी 7.6% रही थी, क्वार्टर फोर में भी 7.6%। मतलब कि दो तिमाही में इसकी जो ब्याज दर है ये अनचेंज रही है। कैसी रही है? अनचेंज रही है, बदली नहीं है। ऑल राइट, चलिए भाई अब जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना एग्जैक्टली है क्या, सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो देखिए बात है वर्ष 2015 की, बात है वर्ष 2015 की, जब हमारे प्रधानमंत्री जी नए नए आए थे तो उन्होंने सबसे पहले एक योजना चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ और बेटियों को भैया पढ़ाओ, ये योजना उन्होंने चलाई थी। फिर इसी योजना के तहत जब बेटी बचाने की बात चल रही है तो बेटी भैया बेटियां सबसे ज्यादा बोझ कब लगती हैं? जब उनकी शादी की बारी आती है। भैया लोग रोते हैं ना कि चार लड़की हैं, पता नहीं शादी कैसे करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए कि जब आप अपनी लड़की की, जब आपकी बेटी बड़ी हो जाती है आपको बर्डन फील ना हो, इसलिए वर्ष 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा। जन्म से लेके, जब आपकी बेटी का जन्म होता है, जन्म से लेके वर्ष 10, अगर वो 10 ईयर की है, 10 साल की है, तो इस बीच में आप उसका कभी भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जन्म से लेके जब भी आपकी बेटी 10 साल की हो जाती है तो इस टाइम के बीच में आप कभी भी अकाउंट को ओपन करा सकते हैं भाई। 15 साल मिनिमम, 15 साल आपको प्रीमियम भरना होगा। मिनिमम 15 साल क्या है? मिनिमम 15 साल तो आपको डिपॉजिट भरना ही होगा। और 21 साल बाद क्या है, ये आपका मैच्योर हो जाता है। 21 साल बाद आपका मैच्योर हो जाता है। देखिए डिपॉजिट भरने का क्या तात्पर्य है, मान लो जब आपकी बेटी 1 साल की थी और आप क्या है, आप अगर उस पैसे को निकालना चाहते हैं, आप हर वर्ष भरते हैं, तो आप 16वीं साल में निकाल सकते हैं पैसे को। बट मैच्योर जो होगा, फुली मैच्योर जो होगा आपका अकाउंट, जब आपकी लड़की 22 साल की हो जाएगी तब ये मैच्योर होगा। तो मैच्योर एज अलग हो जाती है। अब क्वेश्चन इज दैट कि कितनी राशि भाई आप अपने बजट के अनुसार 250 रुपए हर साल भी कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, या अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो ज्यादा आप 1.5 लाख कर सकते हैं। मिनिमम अकाउंट 250 रुपए 1 साल में कर सकते हैं और मैक्सिमम जो अमाउंट डिपॉजिट है ये आप 1.5 लाख 1 साल में कर सकते हैं। ऑल राइट, क्लियर है भाई? क्लियर है? एक सेकंड रुकेंगे, आपके कमेंट नहीं आ रहे, बस एक सेकंड। हाँ जी, क्लियर है यहां तक सारी चीजें? नेक्स्ट जो बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने
जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने बाजार डेटा पर अपने सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति का नया प्रमुख कौन है? भैया जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो हमारा सेबी है, ठीक है, सेबी ने क्या है, जो भी बाजार का डेटा होता है, जो मार्केट डेटा होता है, उस पर एक अपनी कमेटी बताई थी। 20 मेंबर्स की ये कमेटी थी, 20 सदस्यों की ये एक समिति थी। इसका हेड कौन बना है, यह बस हमें जानना है। सिंगल वन लीनियर आपका क्वेश्चन है। एस साहू जी कौन बने हैं? एस साहू जी सेबी की जो डेटा मार्केट कलेक्टिंग वाली कमेटी बनी थी 20 मेंबर की, उसके हेड बने हैं। ऑलराइट, बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। देखिए सेबी का जो गठन है, सेबी का जो गठन है ये 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था, बट इसने अपना काम करना 1992 से शुरू किया। 1992 से इसने अपना काम करना, या फिर इसका जो एक्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्ट कब आया, 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी जी इसके चेयरमैन हैं। और सेबी का जो सेटअप है ये उदय कोटक कमेटी के द्वारा किया गया है, उदय कोटक कमेटी के द्वारा इसे किया गया है, ठीक है भैया। चलिए क्लियर है यहां तक सारी चीजें आपको, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। मैम यूपी में ईवीएम चोरी, भैया देखिए इलेक्शन के परिणाम आ चुके हैं और आपने बहुत ज्यादा मीम्स भी देखी होंगी कि बदनामी तो ईवीएम की ही होगी, अब वो होती ही रहेगी 5 साल तक, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है ये मोदी जी ने किस शहर में रखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट के नजरिए से भी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। कहां किया है, किस शहर में किया है, बस यही आपको जानना है भाई, किस शहर में किया है, मेरठ में किया है। आपका आंसर भी आना शुरू हुआ है, बहुत बहुत शानदार। तो मेरठ में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। लगभग 700 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। ठीक है भैया। यूपी से रिलेटेड करंट की चीज और आपको क्या याद रखनी है कि यूपी को मिला के, भैया उत्तर प्रदेश को मिला के और 4 राज्य हैं, टोटल तो 5 हैं। उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है और उत्तराखंड है। यहाँ क्या हुए हैं, यहाँ इलेक्शन हुए हैं भाई। यूपी में कितनी सीटों के लिए हुए थे, 403 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें 273 जो सीट है ये बीजेपी को मिली है, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप मुझे बताएंगे देश की पहली टीचर यूनिवर्सिटी किस राज्य या फिर केंद्र शासित ने शुरू की है। देश की पहली टीचर यूनिवर्सिटी किस राज्य या फिर केंद्र शासित ने शुरू की है, वहीं फिर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे खेल नर्सरी
खेल नर्सरी किस राज्य या केंद्र शासित के द्वारा शुरू की गई? चलिए भाई बता दीजिएगा। दिल्ली में है मैम, शानदार भाई, बहुत बहुत अच्छे, बहुत शानदार। दिल्ली ने टीचर यूनिवर्सिटी को शुरू किया, दिल्ली ने टीचर यूनिवर्सिटी को शुरू किया, और वही हरियाणा ने शुरू की है खेल नर्सरी, वही हरियाणा ने शुरू की है खेल नर्सरी। भाई बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत अच्छे, इट मींस कि आपको याद है। चलो भाई ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी और बता दीजिएगा, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी और आप मुझे बता देंगे, और इसी के साथ हम नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, वैसे क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता रखा है बट फिर भी देख लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता संभाली है? नहीं भाई आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी से आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं? चलिए भाई शानदार, बहुत अच्छे, कुशीनगर, कहां? कुशीनगर, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। चलो भाई नेक्स्ट क्या था, हां जी अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो एंटी टेररिज्म कमिटी है इसकी अध्यक्षता संभाली है? भैया आप फिर से कंफ्यूज कैसे हो गए, ऐसे कैसे चलेगा? और कौन कह रहा है कि भारत तो यूएनओ में नहीं है शायद, और इसका जो आंसर है ये भारतीय। भाई इस क्वेश्चन के आंसर से तो ऐसा लग रहा है जो पीछे मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं आपने रिवाइज नहीं किया बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए भारत ने की है अध्यक्षता। हां जी भारत ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा परिषद है इसकी एक कमिटी होती है जो आतंकवाद विरोध के लिए काम करती है, और 10 साल बाद ऐसा 10 साल बाद हुआ है कि भारत ने इस कमिटी की अध्यक्षता की है। देखिए 30 अक्टूबर जो कह रहे हैं ना कि यूएनओ में तो शायद भारत नहीं है, तो भैया 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था यूएनओ का गठन, और भारत ने ज्यादा टाइम ना लगाते हुए 30 अक्टूबर 1945 को ही इसका अध्यक्ष बन गया था भारत। ठीक है, भारत इसका मेंबर है भैया, भारत यूएनओ का मेंबर है। और साथ के साथ आपको एक चीज और मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जो सुरक्षा परिषद होती है, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, पांच तो स्थाई हैं, स्थाई मतलब कि जिनके पास वीटो पावर है, और 10 कितने हैं, 10 अस्थाई हैं। कितनी बार आपको बताया है 10 क्या है, 10 अस्थाई हैं, और भारत भी इसका अस्थाई सदस्य है, भारत भी क्या है, अस्थाई सदस्य है। आप कहेंगे मैम ये स्थाई है तो ये परमानेंट रहते ही रहते हैं, अब अस्थाई कब इसके मेंबर बनते हैं, तो ये देखिए रोटेशनल वे में बनते हैं और 2 साल के लिए बनते हैं। जब भी कोई इसका मेंबर बनता है तो वो 2 साल तक इसका मेंबर रहता है। भारत आठवीं बार इसका मेंबर बना है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का भारत इस बार मेंबर बना है, 2 साल के लिए बना है, तभी तो उसने आतंकवाद विरोधी जो उसकी समिति है उसकी भी अध्यक्षता की है। सिंपल सी चीज है, बस और कुछ नहीं जानना।
ऑल राइट, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं, तो इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। चलिए भाई, स्थाई मेंबर आपको पता ही है, कौन से स्थाई मेंबर हैं इसके? यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। इसके जो स्थाई मेंबर हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना, अस्थाई रोटेशनल वे में बनते रहते हैं, ये आपको याद रखना है। एक होती है यूनाइटेड नेशन की महासभा, एक होती है यूनाइटेड नेशन की महासभा, इस बार 76वीं चल रही है, अब 76वीं चल रही है, अब्दुल्ला शाहिद जिसके हेड है, अब्दुल्ला शाहिद जिसके हेड हैं। ऑल राइट, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। शानदार भाई, बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, चाउमीन, हाँ। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जनवरी 2022 से 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? चलिए, अब बात किसके की जा रही है? अब बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन, अब बात की जा रही है जो यूरोपियन यूनियन है, अभी जनवरी 2022 में जून 2022 तक लेकर कौन से देश ने इसकी अध्यक्षता संभाली है, कौन से देश ने इसकी अध्यक्षता संभाली है? तो इसका आंसर है फ्रांस, जो आप लास्ट दे रहे थे, तो लास्ट आंसर इसका था भाई फ्रांस। तो फ्रांस ने क्या है, फ्रांस ने यूनाइटेड, जो क्या है भाई, यूरोपियन नेशन है, ईयू जिसे लिखते हैं, यूरोपियन जो यूनियन है, इसकी अध्यक्षता संभाली है 6 महीने के लिए। कितने? 6 महीने के लिए। चलिए, बस इतना आपको याद रखना है, वन लीनियर आपको याद रखना है, सो देट आप इसमें कंफ्यूज ना हो, सो देट आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और इसका इसका जो मोटो रखा गया है, मोटो है रिकवरी, स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग। मोटो क्या है? रिकवरी, पुनर्प्राप्ति, शक्ति और अपनापन। हाँ जी, रिकवरी, स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग इसका मोटो रहा है, इसका मोटो रहा है। ठीक है भैया, क्लियर है आपको? क्लियर है यहां तक चीजें? चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गीता गोपीनाथन की जगह लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अभी तक जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट थी, इसकी जो मुख्य अर्थशास्त्री थी, ये भारत की गीता गोपीनाथन थी, बट अब इनकी जगह किसी और को नामित किया गया है, तो एक बार नाम बता देंगे जल्दी से। चलिए भाई, शानदार, बहुत अच्छे। कौन है? पियरे ओलिवर गैरिचोट कौन बने हैं भैया? गीता गोपीनाथन की जो जगह है ये पियरे ओलिवर ने ली है, और पियरे ओलिवर ये भी फ्रांस के हैं। कौन है ये? फ्रांस के ही एक इकोनॉमिस्ट है, ये आप याद रखेंगे। देखिए, गीता गोपीनाथन पहली ऐसी भारतीय थी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इसकी मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी। तो अब इनका पद पियरे जी ने ले लिया। अब गीता गोपीनाथन के पास कौन सा पद है? तो ये डेप्यूटी मैनेजिंग, क्या है? डेप्यूटी MD है, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथन। गीता गोपीनाथन के पास अब कौन सा पद है? ये डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि उप प्रबंध निदेशक है,
उप प्रबंध निदेशक हैं और ये पहली महिला हैं, ये फर्स्ट वुमेन हैं जिन्हें ये पद दिया गया है। गीता गोपीनाथन अब भी ऐसी पहली महिला हैं जो आईएमएफ की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। ऑल राइट भाई, चलिए सीमांचल दास भी एक बार देख लेंगे। सीमांचल दास जो हैं, सीमांचल दास भी चर्चा में रहे हैं। ये एडवाइजर, ये क्या है, ये आईएमएफ के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ये आईएमएफ के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, ये भी आप देख लेंगे। सीमांचल दास, सीमांचल दास। चलिए भाई, आईएमएफ के बारे में यहां देख लीजिएगा, 1945 में इसका गठन हुआ था, 1945 में इसका गठन हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर, इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो प्रबंध निदेशक है, ये तो क्रिस्टलीना जॉर्जिवा है, कहां की, बुल्गारिया की। बट डेप्यूटी एमडी कौन बनी है, उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है, तो ये गीता गोपीनाथन है। कौन है, गीता गोपीनाथन है, चीफ इकोनॉमिस्ट भी आपको पता चल गए। एंड यस, इसमें 190 मेंबर हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसमें 190 मेंबर हैं, जिसमें सबसे लास्ट जुड़ा है एंडोरा, जिसमें सबसे लास्ट जुड़ा था एंडोरा, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है आईएमएफ, ठीक है भाई। चलिए भाई, डिटेल में क्या चीज याद करनी है, मैंने आपको क्या बताया, दो तो नेम बस आपको याद करने थे। गीता गोपीनाथन पहले मुख्य अर्थशास्त्री थी, अब उनकी जगह किसने ले ली है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो पियरे ऑलिवर जी ने ले ली है। पियरे ऑलिवर कहाँ के हैं, ये भी पूछा जा सकता है, फ्रांस के हैं। और आईएमएफ के बारे में तो आप जानते हैं, ये तो स्टैटिक का फैक्ट है, स्टैटिक की चीजें भी आपको याद रहे तो इसलिए आपको कराई जाती हैं, याद करने के लिए तो कुछ भी नहीं है ज्यादा इसमें। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7th, क्वेश्चन नंबर है भैया, ये कौन है, मैं गुंजिया और शरार पारे भी बना रही हूँ क्लास के साथ साथ, ठीक है भैया। चलिए, आज सबके लिए गुजिया तैयार हो रही है, क्लास के बाद आप सबको गुजिया खिलाएंगी आपकी फ्रेंड। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसी के साथ। यात्रियों के लिए, यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी जो आरपीएफ है, हमारी जो रेलवे है, उसने एक मिशन शुरू किया है, कि अगर यात्रियों का सामान खो जाता है, चाहे सामान खो जाए, चाहे कोई व्यक्ति उनका गुम हो जाए, तो उस मिशन का नेम क्या है, मिशन अमानत को शुरू किया गया है हमारी रेलवे के लिए। भैया, अगर हमारा सामान खो गया है, हमारा कोई साथी बिछड़ गया है, तो हमारी रेलवे उसे ढूंढेगी। फिर एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, हमारी रेलवे ने इसके लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया था, वो क्या है, सामान की डिटेल और हमारे व्यक्ति की डिटेल, हमारे साथी की डिटेल उस वेबसाइट पर डाल देंगे कि ये पर्सन यहाँ पाया गया, सारी आइडेंटिटी उसकी डाल देंगे, तो अगर हमारा कोई साथी है तो भैया हम उसे ले आएंगे, ठीक है। तो मिशन अमानत रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। रेलवे से रिलेटेड एक चीज आपको जो याद रखनी है भाई, रेल प्रोटेक्शन सिस्टम हमने लॉन्च किया है, एक रेल प्रोटेक्शन सिस्टम हमारी रेलवे ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था कवच, जिसका नाम है कवच। कवच क्या है भैया, एक पटरी पर बहुत तेजी रफ्तार से अगर दो ट्रेन आ रही है तो वो अब भिड़ेंगे नहीं, उनका एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है, उन्हें बहुत समीप लाके भी रोका जा सकता है, एंड किसने किया था ये ट्रायल भैया, किसके द्वारा किया गया,
जो हमारे खुद रेल मिनिस्टर हैं, हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा इस ट्रायल को किया गया जो कि सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल सफल रहा। चलिए अब आप मुझे ये बताइएगा कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, आप मुझे ये बताइएगा जल्दी से। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बस एक सेकंड भाई कमेंट देख लें। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही। ओके, वॉइस नहीं आ रही। अब एक बार देखेंगे। हाँ जी, कौन सा अंतर सरकारी गठबंधन भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 जो समुद्री अभ्यास है कर रहा था, हो चुका है भैया, नाटो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नाटो के द्वारा किया गया है। अब ये नाटो क्या है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, चलिए आपको एक बार बता भी देते हैं। तो नाटो ने क्या है, नाटो ने भैया ये अपना समुद्री अभ्यास किया था जो लगभग 8 दिन चला था, और कहां किया गया था? भूमध्य सागर में इसे किया गया था, मेडिटेरियन सी में इसे किया गया था। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि नाटो क्या है भाई, नाटो 30 देशों का एक समूह है, नाटो 30 देशों का एक गठबंधन है। कब बना था? 1949 में बना था। कब बना था? 1949 में बना था। क्यों बना था भाई? ये 30 देश आके मिले थे, इन्होंने कहा था हम अब एक गठबंधन है, अगर कोई भी अन्य देश हम 30 सदस्यों में से किसी पर भी अटैक करेगा तो हम संयुक्त रूप से, हम 300 देश संयुक्त रूप से उस देश को क्या सिखाएंगे, सबक सिखा देंगे। क्या भाई, देखिए यहां पर समझिए, नाटो में क्या है, 30 देश है, इसका मेंबर कौन नहीं है, ना तो भारत है और ना ही रूस इसका मेंबर है। अब अगर रूस नाटो के किसी भी सदस्य पर क्या है, हमला कर देगा, तो वही सदस्य नहीं, पूरे 30 मेंबर मिलकर सबक सिखाएंगे रूस को। और जो विवाद का कारण चल रहा है रूस में और यूक्रेन में, वो यही है, इसकी ही सदस्यता है भैया। यूक्रेन आया किस लिए? यूक्रेन ने कहा कि मैं मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता हूं नाटो की, इसकी बात चल रही थी नाटो से, फिर ये बात पता चली रूस को, रशिया को। अब रशिया ने कहा कि अगर ये नाटो का मेंबर बन जाएगा तो इसके पास तो बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, ये तो हमें कुछ नहीं समझेगा, हमारा भैया काम तमाम कर सकता है। रूस को ये बात हजम नहीं हुई थी, और यही जो अब विवाद चल रहा है, यही कारण है इन दोनों देशों के बीच में विवाद का। ठीक है, क्लियर है आपको सारी चीजें? तो 1949 में गठन हुआ था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव हैं, नॉर्थ मैसिडोनिया इसका सबसे लास्ट मेंबर बना था। ठीक है भाई, चलिए चलिए
चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत नाटो का भी मेंबर नहीं है, याद रखेंगे। और भारत किस वजह से मेंबर नहीं है भैया? भारत बहुत सारे इशू हैं, इन्हें कभी बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का जो खिताब है ये पीवी सिंधु जी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा भाई? पीवी सिंधु जी के द्वारा इसे जीता गया है। ऑल राइट, याद रखेंगे, पीवी सिंधु जी के द्वारा जीता गया है। ये आप देख लीजिएगा, ये हैं पीवी सिंधु जी, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें सिंगल का होता है, वुमेन्स में भी सिंगल का होता है एंड मेन्स में भी सिंगल का होता है। चलिए, कहां हुआ था ये जो टूर्नामेंट है? ये बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में हुआ था। बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में इस टूर्नामेंट को खेला गया था, ठीक है। तो आपने वुमेन्स सिंगल का तो देखा, आपने वुमेन्स सिंगल का तो देखा किन्होंने जीता था? पीवी सिंधु ने। बट वही मेन्स सिंगल इंपॉर्टेंट है, मेन्स सिंगल में क्या है? नो मैच रहा। मेंस सिंगल में क्या है? ये नो मैच रहा था। किन किन के बीच था मुकाबला? वैसे जो मुकाबला था ये था अर्नोल्ड मार्केल के द्वारा और लुकास क्लेरबोट के बीच में मुकाबला था। बट क्या है, इनमें से एक खिलाड़ी क्या है, कोविड पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसे नो मैच कर दिया जाता है, इसे नो मैच का करार दे दिया जाता है। चलो बस एक और आपको याद रखना है, मिक्स्ड डबल में भी भारत के ईशान भटनागर और तनीषा कैस्ट्रो क्या है, विनर रहे, ठीक है। आपको दो विनर याद रखने हैं कि पीवी सिंधु ने तो वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता, मेंस सिंगल में नो मैच रहा क्योंकि एक खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव रहा। मिक्स्ड डबल और याद रख लेंगे, मिक्स्ड डबल ईशान भटनागर और तनीषा कैस्ट्रो के द्वारा जीता गया। भाई ये चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप को 1991 में, इस टूर्नामेंट को 1991 में उत्तर प्रदेश का जो बैडमिंटन बोर्ड है, इसी के द्वारा शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये आपकी याद रखेंगे। चलिए भाई, हाँ जी, बैडमिंटन से जुड़े कुछ कप और ट्रॉफी और देख लीजिएगा। बैडमिंटन में और कौन कौन से कप या ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है थॉमस कप, फिर है आपका ऊबर कप और एक है आपका सुधीरमन कप। किससे जुड़े हुए हैं ये? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। सुधीरमन कप किससे जुड़ा हुआ है? सुधीरमन कप भी आपका बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ऑल राइट, थॉमस कप आपसे ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है भाई, क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेरी तो आप बता देंगे। बुलडोजर बाबा के यहाँ से शुरू हुआ था भाई, बहुत अच्छे, हाँ जी बिल्कुल, मोदी जी हमारे उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया गया है क्योंकि नाम आप देख सकते हैं कि किसके नाम पर है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने 23 जनवरी को उनकी जयंती पर किस स्थान पर किया था? चलिए भाई, ग्रेनाइट से बनी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण मोदी जी के द्वारा किया गया था, कहां किया गया था? इंडिया गेट पर। भाई 23 जनवरी को क्या होता है? 23 जनवरी को हमारे महान नेता
सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और इसलिए 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है भाई, चलो। हाँ जी, देखिए भाई, इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है, हाँ जी, सबसे पहले तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा है ये नारा किसके द्वारा दिया गया था जल्दी से एक बार बताएंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलियो चलिए भाई। हाँ, फॉरवर्ड ब्लैक की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, शानदार, बहुत बहुत अच्छे। फॉरवर्ड ब्लैक की भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, शानदार, बहुत बहुत अच्छे। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये सारी चीजें आपको याद भी रखनी है। और पट्टाभी सीतारमैया को भी इन्होंने हराया था, किसमें हराया था ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट, चलो भाई, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित की गई है? देखिए, पैरा बैडमिंटन से क्या तात्पर्य है? पैरा का मतलब होता है जो हमारे पैरा ओलंपिक होते हैं, मतलब कि जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है, जो खिलाड़ी जिनका इंटरेस्ट किसमें है, जिन खिलाड़ियों का इंटरेस्ट बैडमिंटन में है, उन्हें और भी ज्यादा ट्रेन किया जा सके, तो ये लखनऊ में खोली गई है, इस अकेडमी को लखनऊ में खोला गया है। किसको मद्देनजर रखते हुए भाई, 2021 में जो टोक्यो पैरालंपिक हुए उसमें भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए क्या है, इस अकेडमी को ओपन किया गया है। एंड भाई, 2021 के जो टोक्यो पैरालंपिक जो हुए थे इनमें क्या है, इस टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन को पहली बार जोड़ा गया था और जिसमें कई मेडल भी जोड़े गए। सबसे पहले तो सुहास यतिराज को आप याद रखें, वो भी बैडमिंटन से जुड़े हुए थे, उन्होंने मेडल जीता था। ठीक है, चलिए भाई। हाँ जी, 29 मेडल जीते थे, बहुत बहुत शानदार, 29 मेडल जीते थे। ऑल राइट, तो आप क्या याद रखेंगे, आप लखनऊ याद रखेगा कि आने वाले कौन से वर्ष 2024 के जो पैरालंपिक होंगे पेरिस में, उसमें भारत का अच्छा प्रदर्शन हो सके, इसलिए इस अकेडमी को खोला गया है हमारी राजधानी लखनऊ में। चलिए भाई, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में, देखिए इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है, एक्सप्लेनेशन छिपी है। इसरो ने हाल ही में एक इंजन का परीक्षण किया है जिसका उपयोग गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस इंजन का नाम क्या है यह आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन भी समझ लीजिएगा, क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, इसरो ने कहा था कि वर्ष 2022 या 23 में हम क्या भेजेंगे, अपना गगनयान भेज देंगे। अब गगनयान कैसे, मतलब कि जो यात्री हैं, जो एस्ट्रोनॉट है भैया, वो किसमें जाएंगे, वो बैठ के जाएंगे एक रॉकेट में, रॉकेट किससे चलेगा, रॉकेट इंजन से चलेगा, तो इंजन भी हमने बना लिया है, इंजन का नाम क्या है यही आपको जानना है, इंजन का नाम है विकास। एंड आपको एक चीज और याद रखनी है, जो गगनयान हम भेज रहे हैं,
जो गगनयान हमारा जाएगा ये फ्रांस की हेल्प से जाएगा, ये फ्रांस की हेल्प से जाएगा। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं भैया वो अपना स्पेशल अपना सूट वगैरह पहन के रखते हैं, ठीक है एस्ट्रोनॉट, तो वो चीजें हमें फ्रांस प्रोवाइड करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें फ्रांस हमारी हेल्प करेगा। तो इसरो ने ये इंजन बना लिया है। इसरो से रिलेटेड आप याद रखेंगे भाई, इसरो से रिलेटेड आपको एक चीज बस याद रखनी है कि इसरो के अध्यक्ष अब चेंज हो चुके हैं। इसरो के नए अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बदलकर नई राजधानी बनाने का फैसला लिया है, नई राजधानी का नेम क्या है? इंपॉर्टेंट भैया, इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल रहा है, इवन इसे अप्रूवल भी मिल चुका है, ये अप्रूव भी हो चुकी है। तो कौन सी नई राजधानी है? नुसांतारा, नुसांतारा इंडोनेशिया की नई कैपिटल है, नुसांतारा इंडोनेशिया की नई कैपिटल है। और ये कहाँ है? बोर्नियो, भाई बोर्नियो आपने आइलैंड सुना होगा, बोर्नियो आइलैंड पर कालीमंतन के जो जंगल हैं ये वहीं पर स्थित है। बोर्नियो आइलैंड क्या है, ये कई देशों के बीच विवाद का कारण है, तो एक बार इसे देख लेंगे आप। बोर्नियो आइलैंड के कालीमंतन जंगलों में ही स्थित है कौन सी? नुसांतारा कैपिटल। चलिए अभी तक इसकी कैपिटल कौन सी है? अभी तक इसकी जकार्ता कैपिटल है, पर बदल के नुसांतारा हो जाएगी। चलो करेंसी यहाँ की रुपया है, प्रेसिडेंट जोको विडोडो है, जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट है। भैया समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। वही गरुण शक्ति, देखिए गरुण वरुण अलग है और शक्ति अलग है, समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति जो एक्सरसाइज है ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। आशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है भाई, आशियान का जो हेडक्वार्टर है ये भी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। आशियान का जो हेडक्वार्टर है ये भी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है, ठीक है भैया। हम नहीं दिख रहे हैं क्या भाई? दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हो आप। चलिए यहां तो क्लियर है, कुछ भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया की नई कैपिटल नुसांतारा, इंडोनेशिया की नई कैपिटल नुसांतारा। चलिए भाई नेक्स्ट, ये तो छोड़िएगा, ये तो आपको पता चल गया है कि 125वीं जयंती थी भाई सुभाष चंद्र बोस की 2022 में, कौन से नंबर की? 125वें नंबर की जयंती थी। ये चीजें तो हमने देख ली हैं, फिर भी देख लीजिएगा, जन्म क्या हुआ था? 1897 में इनका जन्म हुआ था, जो उड़ीसा और बंगाल वाला डिवीजन था वहीं पर जन्म हुआ था, ये फिर भी जान लीजिएगा। चलिए बहुत सारी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दी है। हाँ जी, जानकी नाथ प्रभावती दत्त बोस इनके माता का नाम था, ठीक है। चलिए कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये क्या है? सीईओ रह चुके हैं। स्वराज न्यूज पेपर भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शुरू किया गया था। इनके पॉलिटिकल गुरु चित्रंजन दास इनके पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चलिए भैया देखिए, ये जो मैंने आपसे पूछा था 1939 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1939 में कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे और चुनाव में हराया था पट्टाभी सीतारमैया को, चुनाव में हराया था सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारमैया को। आजाद हिंद फौज का गठन, नेशनल इंडियन आर्मी, आजाद हिंद फौज का गठन इन्हीं के द्वारा
किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनकी एक बुक भी है, द इंडियन स्ट्रगल बुक सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई थी। 18 अगस्त 1945 में इनकी डेथ हुई थी, 18 अगस्त 1945 में डेथ हुई थी। और स्लोगन आपको पता ही है, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू दी फ्रीडम एंड जय हिंद, एंड जय हिंद। ठीक है भाई, आपका कंटेंट बाकी बहुत यूजफुल है भैया, कंटेंट क्या पूरी क्लास आपके लिए यूजफुल है अगर आप लेंगे तो। ठीक है, चलिए, डेली आपकी क्लास 12 बजे होती है। चलिए भाई, क्लियर है सारी चीजें, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। भारत के पहले जिला सुशासन सूचकांक का हाल ही में किन राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के जिले के लिए अनावरण किया गया। भाई देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फर्स्ट टाइम गुड क्या है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला गया है। भारत में फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला गया है, कहां से शुरू किया गया है, मतलब किस राज्य या फिर केंद्र शासित से शुरू किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया नया ही बना है हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित, और यही से शुरू की गई है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस रिपोर्ट, किनके जिलों की गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट, और किसने जारी की थी, अमित शाह के द्वारा जारी किया गया था इस रिपोर्ट को, जिसमें क्या है, चलिए, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट को लिस्ट किया गया था, जम्मू कश्मीर के 20 जिलों को लिस्ट किया गया था, और टॉप पर रहे थे ये वाले जिले, देख लीजिएगा। सबसे पहले जो टॉप पर रहा था ये जम्मू था, सेकंड नंबर पर यहाँ का डोडा था, थर्ड नंबर पर यहाँ का सांबा था, इतना याद रख लीजिएगा। थर्ड नंबर पर यहाँ का सांबा था। ठीक है भाई, चलो इतना ही रखते हैं या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैसे एक और भी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे छोड़िएगा, चलिए इसे कल कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो मुझे कराना था, हाँ जी, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा सा लगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा भी, अच्छा ही नहीं इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, शोधकर्ताओं ने जो बाकी बचे उन्हें कल करेंगे, ये लास्ट करते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर किस प्रजाति के जानवर का नाम रखा है। चलिए भाई, एक इन्वायरमेंटिस्ट है भैया, पर्यावरण के लिए काम करने वाली एक एक्टिविस्ट है ग्रेटा थुनबर्ग। कौन है, ग्रेटा थुनबर्ग, प्राइज भी मिल चुके हैं, कई प्राइज भी मिल चुके हैं। एक जानवर की प्रजाति का नाम रखा गया है, किसका नाम रखा गया है, रेन फ्रॉग का जो नाम है ये ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है, ये याद रखेंगे। चलिए भाई, कहाँ की है, स्वीडन की है, ये भी याद रख लेंगे। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की है। ठीक है, चलो भाई, इसका नेम क्या है, वैसे अगर पूरा नेम देखें तो प्रिस्टीमेंटिस ग्रेटा थुनबर्गी, इस मेंढक का जो नाम है ये प्रिस्टीमेंसिस ग्रेटा थुनबर्गी है, या फिर हम इसे क्या बोल देते हैं, ग्रेटा थुनबर्ग रेन फ्रॉग भी इसे बोल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनके अवार्ड भी लिखे हुए हैं, इन्हें कब कब कौन कौन से अवार्ड मिले थे। चलिए, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज इन्हें 2019 में मिला था, इन्हें ना इतना याद रख लीजिए भाई, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज भी मिल चुका है इन्हें 2019 में मिला था, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब इन्हें मिला था। ठीक है भाई, चलिए, पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगी, फ्री क्लासेस में देख लीजिएगा, कल वाली पीडीएफ मैंने आपकी अपलोड करा दिया, बाकी की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई। टेलीग्राम का तो ऐसा कोई लिंक नहीं है,
फ्री क्लासेस में जाके आप देखिएगा, कल की पीडीएफ भी मैंने अपलोड करा दी जो आपको क्वेश्चंस कराए गए थे एग्जाम टाइम पर। आप उन डेज वाले क्वेश्चंस को भी करके चले जाएंगे, 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए आप जो बोलते हैं कि करंट अफेयर में हमें कंफ्यूजन रहती है, डेली वाली क्लास लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। भाई मैं आपके सामने खड़ी रहती हूँ, तो आपको जो भी डाउट होता है आप तुरंत पूछे ना, कंफ्यूज मत रहिए। आई नो कि करंट अफेयर में कंफ्यूजन होती है। मैम आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। चलो भाई थैंक यू सो मच, तो यही आपसे विदा लेते हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद जय भारत।